और वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा निश्चित तौर पर ग्रामीण लाभार्थियों को इसका सीधा फायदा इन दिनों पहुंच रहा है, जहां पर आपको बता दें कि फतेहपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जब विकसित भारत संकल्प यात्रा वहां पर पहुंची तो इस दौरान की ये तस्वीरें, तो यहाँ पर ग्रामीण लाभार्थियों को लाभान्वित करने में भी कारगर साबित हो रही है ये योजनाएं, जहाँ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के जमलावों ग्राम पंचायत रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके गांव में विकसित भारत यात्रा की वैन आई और उन्हें केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में आयुष्मान कैंप के जरिए उनका गोल्डन कार्ड भी बनाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की वजह से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सूचना और उनका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है, आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं। हमारा स्मार्ट कार्ड बन गया है, हम गरीब आदमी हैं तो हमारा सरकार सहायता देगी, है कोई भी सात आदमी में कोई भी बीमारी आ जाएगी तो उसका इलाज सरकार कराएगा। विकसित भारत की गाड़ी आई जो मुझे सूचना दी गई, इसके बाद मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया। भविष्य में जो मेरे फैमिली में जो कोई भी बीमारी आएगी, इसमें से मुझे कहीं भी इलाज, मैं प्राइवेट सरकारी में इलाज करवा पात्र हूँ, इलाज करवा सकता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जहां महाराजगंज जनपद के परसिया बुजुर्ग गांव में पहुंच